खबर हल्द्वानी से है, जहां कुसुमखेड़ा स्थित उजाला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से मरीज की मौत के मामले में गंभीर रूप ले लिया है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लाड़ले की मौत उचित इलाज न मिलने और डॉक्टरों की गैर मौजूदगी के कारण हुई है। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उन्हें लगातार गुमराह किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 5 दिन तक अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मरीज का इलाज किया जाएगा, लेकिन 6ठे दिन उन्हें बताया गया कि अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। परिवार ने संबंधित अधिकारियों से मामले की जांच की मांग की है। बहरहाल परिजनों ने काफी गुस्सा है और अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हल्द्वानी के हॉस्पिटल में अधिकतर लापरवाही से माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छी हो। वैसे हल्द्वानी के हॉस्पिटल में बहुत ही लापरवाही हो रही है, जैसा कि कल एक मेरे भाई की, मेरे पड़ोसी की डेथ हो गई है डॉक्टर हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण, क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था सेंट्रल सिग्नस सेंट्रल हॉस्पिटल करके है, उजाला सिंह हॉस्पिटल कुसुमगेड़ा में है, उसमें लापरवाही के कारण पूर्व में कई लापरवाही भी उस हॉस्पिटल में हुई है जिसका सभी को जानकारी है। इसलिए मैं माननीय धन सिंह रावत से निवेदन करूंगा कि इन हॉस्पिटल की जाँच, दवाइयाँ इतनी जो 100 रुपये का है वो 300-300 में, 200-200 में दी जा रही है। यहाँ पर आए दिन इस हॉस्पिटल की शिकायतें पहले भी रही हैं। हम यहाँ पे लगभग पिछले 10 साल से देख रहे हैं इस हॉस्पिटल की स्थिति, यहाँ पर आए दिन शिकायतें रहती हैं। तो यहाँ पर हम अब छोटे भाई को ले गए यहाँ 25 तारीख को, उसके बाद इन्होंने यहाँ उसका आधे घंटे के अंदर ऑपरेशन करा, सर में चोट लगी उनके। ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने बोला कि स्थिति ठीक है, अब कोई बात नहीं, स्थिति ठीक है। तो वहाँ पर हमारे अपने परिजन रहते थे, वहाँ पर परिजन रहने के बाद 3 दिन बाद उसकी स्थिति आई कि उसे लंग्स में दिक्कत बताने लगे लोग, फिर कभी करने लगा हार्ट में दिक्कत है, कभी किडनी में दिक्कत बताने लगे। हमने कहा ठीक है इलाज करिए आप। तो उसके बाद क्या हुआ, इलाज करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है हम इलाज कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और हमें तो जानकारी कुछ होती नहीं इस मामले में। एक छोटा भाई डॉक्टर है तो उसको बुलाया हमने, जब उसने रिपोर्टें देखी हैं, रिपोर्ट में देखा कि इसके लंग्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ी हुई है, उसके चेस्ट में भी इन्फेक्शन था। तो उनके पास चेस्ट का डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने हमको नहीं बताया कि हमारे पास चेस्ट का डॉक्टर, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर यहाँ पे है करके। ठीक है, उन्होंने कहा हम बाहर से बुलाते हैं। ठीक है, अब उस वक्त तो उसको चेस्ट की दिक्कत हुई, उसको सांस लेने में दिक्कत हुई। कितने दिन से आप लोग वहाँ पे थे? हम लोग देखिए, मैं तो डॉक्टर हूँ, ठीक है, मैं तो ड्यूटी में था। ठीक है, मैं ड्यूटी से आता था, देखता था उसको। ठीक है, तो जो भी था देखता था, घर में उनका, मैं, मेरे मामा का लड़का है। ठीक है, तो उसमें ये दिक्कत थी, अगर आपके पास चेस्ट का फिजिशियन नहीं था, चेस्ट का डॉक्टर नहीं था, आपने बताना चाहिए था हमको पहले, दूसरा इंटरवेंशन लेते। हमारे जेब के तो उसने सारे निकाल दिए पैसे और ने हमें गुमराह करके रखा है। मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा किसी के साथ ये घटना ना घटे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। उजाला हॉस्पिटल, ये जो सेंट्रल हॉस्पिटल जिसे कहते हैं, जो लड़का मरा है ये मेरा छोटा भाई है चचेरा, इसमें क्या कहते हैं, डॉक्टरों ने पहले कहा 12 घंटे में उसमें आ जाएगा, फिर कहा 24 घंटे में, फिर कहा 48 घंटे, फिर कहा 72 घंटे में। 72 घंटे बाद जब हमने इनसे पूछा क्या हुआ, तो इनने कहा नहीं पेशेंट सही है, बिल्कुल स्थिर है, आप लोग मत ले जाइए, बेफिक्र रहिए। फिर इनने 25 तारीख से एडमिट था, फिर 30 तारीख के दिन ये लोग अचानक बोले आप पेशेंट को यहाँ से लेके जाएं।